सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं P75I कार्यक्रम के तहत वो चार पनडुब्बियां जो भारतीय नौसेना के प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारतीय नौसेना के लिए P75I कार्यक्रम के लिए प्रतिस्पर्ध करने वाली चार पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं? भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की P75I पनडुब्बी के चार दावेदार हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार को डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। परिणाम जो भी हो, सभी नौकाओं के भारत में निर्मित होने की उम्मीद है, इसलिए यह सौदा राजनीतिक और औद्योगिक विचारों के साथ साथ नौसैनिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगा। चार दावेदार फ्रांस में से बाराकुडा, स्पेन में से S80+, दक्षिणी कोरिया से DSMI-3000 और रूस से अमूर डिजाइन है। जर्मनी भी दावेदार रहा था, लेकिन हाल ही में कहा गया है कि वे बाहर हो गया है। सभी दावेदार को अपनी खूबियां हैं और यह भारतीय नौसेना के लिए एक कठिन विकल्प होने की संभावना है। भारतीय नौसेना के विस्तृत आवश्यकताओं को साझा नहीं किया गया। रिपोर्ट और उनकी मौजूदा क्षमताओं, निवेश और खतरों के विश्लेषण के आधार पर दो चीजें निश्चित लगती हैं। पहला यह कि P75I में AIP एयर इंडिपेंडेंट पावर होगा। दूसरा यह कि वे ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च करने के लिए VLS पसंद करेगा। एक साथ किया गया P75I को पिछली भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बी की तुलना में बहुत बड़ा होना होगा। AIP और VLS दोनों चुनौतियों से कठिन निर्णय पेश करेंगे। सभी प्रमुख पनडुब्बियां परियोजनाओं की तरह व्यापार बंद करना होगा। भारत ने अपना स्वयं का ईंधन सेल AIP विकसित किया है, जिसे वह वर्तमान फ्रांसीसी डिजाइन किए गए कलवरी क्लास में फिट करने की योजना बना रहा है। यह P75I के लिए भी एक तार्किक विकल्प है, विशेष रूप से स्वदेशी उद्योग के दृष्टिकोण से। हालांकि भारतीय नौसेना के पहले से ही डिजाइन के साथ उपलब्ध AIP में बहुत दिलचस्पी होने की संभावना है। स्थानीय AIP को शामिल करने से विकल्प जोखिम बढ़ेगा और बेहतर AIP सिस्टम तक पहुँचने के अवसरों को बंद कर देगा। VLS एक चुनौती होगी, क्योंकि सभी दावेदार अपेक्षाकृत छोटी नावें हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि VLS पर अनुबंध कितना निर्भर होगा या वैकल्पिक मिसाइल विकल्पों पर विचार किया जाएगा या नहीं। बाराकुडा क्लास सबमरीन। माना जाता है कि फ्रांस का नौसेना समूह अपनी बाराकुडा परमाणु पनडुब्बी का डीजल इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पेश करना कर रहा है। परमाणु संस्करण पहले से ही फ्रांसीसी नौसेना के साथ सफरन क्लास के रूप में सेवा में है। भारत में वर्तमान में बन रही कलवरी क्लास के समान वंश के होने के कारण इसे एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा सकता है। डीजल इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में SMX 3.0 डिजाइन से कुछ डिजाइन सुविधाएं हो सकती हैं। इसे 2020 में भारत में डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। इसके सेल माउंटेन हाइड्रोप्लान और AIP शामिल हो सकते हैं। फ्रांसीसी AIP प्रणाली ऑनबोर्ड हाइड्रोजन भंडारण की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए डीजल सुधारक के साथ ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। यह वर्षों से तट पर परीक्षण किया गया है। शायद बाराकुडा का सबसे बड़ा डिजाइन लाभ इसका आकार है। लगभग 8.5 मीटर का पतवार व्यास प्रतियोगियों में सबसे बड़ा है। इससे विशाल ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी VLS को फिट करता तुलनात्मक रूप से कम चुनौतीपूर्ण हो जाना चाहिए। संबंधित MSX महासागर अवधारण से पहले से ही एक VLS है और बेवलाइन बाराकुडा वर्ग वैसे ही MDCN भूमि हमला क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। फ्रांसीसी डिजाइन की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में एक्स फॉर्म पतवार और एक पंप जेट शामिल होने की संभावना है। यह बात की विशेषताओं भारत के परमाणु पनडुब्बी परियोजनाओं में भी रुचि की हो सकती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकियों और यह अतिरिक्त बड़े अनुकरण अंडरवाटर व्हीकल्स प्रौद्योगिकी तथा पहुंच भी एक कारक हो सकता है। नेवल ग्रुप ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास पिछले साल से पानी में एक XLUV प्रदर्शक है। DSME-3000 दक्षिणी कोरिया की मिसाइल सबमरीन। दक्षिणी कोरिया ने हाल ही में अपने पंख फैलाए हैं और इंडोनेशिया के नावे बेचकर पनडुब्बियों निर्यात के खेल में प्रवेश किया है। समझा जाता है कि वे अपने घरेलू KLS-3 डिजाइन के निर्यात संस्करण का प्रस्ताव कर रहे हैं और यह अपेक्षाकृत बड़ी गैर परमाणु नाव है, जो संभवतः बाराकुडा के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रकार जर्मन आधारित ईंधन सेल AIP के साथ आता है। AIP को अनिवार्य रूप से समर्पित पतलवार खंड के साथ लेआउट या बताता है कि इसे भारतीय विकल्प के लिए स्वैप करना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होगा।
और पनडुब्बियों के साथ लिथियम बेस बैटरी तकनीकी को फिट करने के दौड़ में दक्षिणी कोरिया अधिकांश देशों से आगे है। यह बैटरी पर चलने वाले पनडुब्बियों के धीरज को बढ़ाने का वादा करता है। स्वाभाविक रूप से यह भारतीय नौसेना के लिए आकर्षण हो सकता है, यहाँ तक कि संभावित रूप से AIP के महत्व से के कम कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह पहले से ही 6 या 10 राउंड VLS के साथ आता है। दक्षिण कोरिया सेवा में यह ह्यूमन 4-4 मिसाइल ले जाने की उम्मीद है, जो लगभग भारत के 15 सागरिक के बराबर है, लेकिन परमाणु विकल्प के बिना है, जबकि स्टिक आयम और वजन उपलब्ध नहीं है। इसका कम से कम यह अर्थ है कि यह समान आकार के ब्रह्मोस को समायोजित कर सकता है। इतनी छोटी पनडुब्बी के VLS ले जाने की संभावना कुछ ट्रेंड ऑफ की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे नियमित टॉर्पीडो कमरे में कम हथियार स्लॉट, लेकिन कुछ मिलाकर दक्षिणी कोरिया डिजाइन संतुलित और अत्यधिक सक्षम लगता है। स्पेन की नई एंट्री S80+ पनडुब्बी के निर्यात के लिए एक और नया देश। स्पेन का नवांटिया अपने नवीनतम S80+ डिजाइन का एक प्रकार पेश कर रहा है। यह स्कॉर्पियन डिजाइन से बड़ी नाव है, लेकिन दक्षिणी कोरिया या फ्रेंच विकल्प से छोटी है। AIP जैव एंथोलोन सुधारक के साथ एक ईंधन सेल प्रणाली है, जो फ्रांसीसी प्रणाली की तरह हाइड्रोजन भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में स्पेन की S80+ नावें AIP के साथ नहीं चल रही हैं, लेकिन सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है और अगले कुछ वर्षों में इसे समुद्र में जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि नवनीय VLS का प्रस्ताव दे रहे हैं या नहीं। डिजाइन का इरादा हमेशा टॉर्पीडो ट्यूबों से दागी गई भूमि हमला क्रूज मिसाइल के साथ संगत होना था। रूसी विकल्प अमूर अनिवार्य रूप से लाडा क्लास के निर्यात संस्करण पनडुब्बियों के अमूर परिवार को कई वर्षों से पेश किया गया है। रूस के पहले से ही भारतीय नौसेना के साथ मजबूत संबंध है और कुछ संबंधित किलो क्लास पनडुब्बियां अभी भी उनकी सेवा में हैं। अमूर कुछ वंश को किलो से साझा करता है, लेकिन इससे सिंगल हल कॉन्फ़िगरेशन है। दावेदारों का सबसे छोटा पतलवार व्यास होने के बावजूद डिजाइन मॉडल ने अक्सर VLS दिखाया है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मोस के बजाय छोटे कैलिबर आकाश के हथियारों के साथ किया गया है। अमूर डिजाइनों के साथ एक और चुनौती AIP हो सकती है। रूस ने अभी तक अपने लाडा वर्ग के लिए AIP प्रणाली विकसित नहीं की, संभवतः भारतीय AIP प्रणाली प्रस्ताव की कुंजी है। फ्रांस की तरह मजबूत ऐतिहासिक संबंधों के साथ रूस को घरेलू लाभ के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि रूस इसे अगली पीढ़ी की गैर परमाणु पनडुब्बी को संयुक्त रूप से विकसित करने के अवसर के रूप में देखता है, या चीन के साथ इसी तरह के अन्य रिपोर्टों के साथ कैसे बैठा है यह स्पष्ट नहीं है। सो बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। आत्मनिर्भर भारत, 7 नई रक्षा कंपनियों को ₹65,000 का ऑर्डर दिया गया। दुबई एक्सपो 2020, इसरो चीफ इंडियन पवेलियन से स्पेस वीक में बोलेंगे। आतंकवाद शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा बना रहेगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सोमवार रात से 7 आतंकवादी मारे गए। भारत अफगानिस्तान में विकास का बारीकी से अनुसरण कर रहा है, विदेश मंत्री जयशंकर। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.